अच्छा, तो कैसे हो आप सब। हम फ्लेमिंग चैप्टर के फ्लेमिंग बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इसका नाम है द लास्ट लेसन। हम आपको जितने क्वेश्चन, आपने उतने क्वेश्चन भी लगा लिए तो आपके 95+ क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व करते जाओगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉटेट। और लास्ट लेसन के ऑथर कौन, का नाम क्या है? अल्फोंस डॉटेट। सेकेंड क्वेश्चन, अल्फोंस डॉटेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री, मतलब अल्फोंस डॉटेट किस कंट्री से थे? फ्रांस। थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को करती मतलब द। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द थिंग बीइंग टेकन फॉर ग्रेट बाय द पीपल ऑफ एलसेक। टाइम एंड स्कूल। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? चेंज इन लाइफ। दोनों क्वेश्चन सेम सेम है बट इनका मीनिंग बहुत अलग है। द लास्ट लेसन सिम्बलाइज मतलब सिम्बलाइज क्या करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज फ्रीडम करता है। लेकिन लास्ट लेसन सिग्निफाई मतलब सिग्निफाई क्या करता है, उसमें आ जाएगा चेंज इन लाइफ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7-1 इज, व्हाट डू द मे मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो और एज रिप्रेजेंट? द डॉन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। ठीक है। सेकंड, अब आगे पढ़ते हैं हम। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ऑन जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलेस एंड हॉरेंस? बर्लिन। और कहाँ से आया? बर्लिन से आया था। व्हाट डज अफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? ट्रांसिशन। वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। वॉट डज फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? स्ट्रेंज क्वाइटनेस। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? विलेज एल्डर्स। वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज? बिकॉज ऑफ एमेबल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग? 15 क्वेश्चन, हुम डिड एमएमएल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल? पेरेंट्स। व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग? ओल्ड प्राइमर। व्हाट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एमएमएल्स रूलर एंड क्रैकीनेस? द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एमएल सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस? फार्म्स एंड मिल्स। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू गो टू द फार्म्स एंड मिल्स? टू अर्न मनी। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एनिमल्स इन द स्कूल? टू शो ग्रेटिट्यूड। वाई डिड मिस्टर एम एम एल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे? पार्टिसिपल्स। वैन पीपल आर इंसलेब्ड वॉट की डू द हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू द एम एम एल? मदर टंग। What did friends notice that was unusual that day? Quietness in the school. What had been put up on the bulletin board that day? Teach only German. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? Strange quietness and sadness. What changed friends' feeling about MML and school? Orders from Berlin. What made friends and the people realize about the preciousness of their mother tongue? Sudden order off from Berlin. Expression thunderclap in the lesson means startling and unexpected. What did Mr. MML bring from his class on our last day in the school? New notebooks. The last lesson story was written in the year 1870 से 1871 के बीच में रिटन किया गया था। डोंट गो टू फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अर्ली इनफ।
वॉट वॉज द एयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? अ क्राउड. वॉट हैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? जर्मन. What does the expression in the great dread of scolding mean? Very badly scared of scolding. Why was the French boss shocked to see MML's? Because of his formal dress. What attitude of MML surprised French? Soft and kind. Who was MML? Language teacher the MML. अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे चैनल को प्लीज़.